हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़कों की इस चीज़ को देख के लड़की उनके पीछे भागती है। तो आज के वीडियो से टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों देखो, जब हमें अपने अकॉर्डिंग किसी इंसान में कुछ चीज़ें दिखती हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम उसे अपना बना लें, फिर चाहे उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो आज के इस वीडियो में आपको लड़कों के बारे में बताऊंगी कि लड़कों की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लड़कियों को काफ़ी पसंद आती हैं, और उसी के बेस पर लड़की जो है उनको देख कर उन्हें स्माइल पास करती है, उनसे कॉन्टैक्ट बनाती है और उनको अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ ऐसी हरकतें करती है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वह लड़के का प्यार दिखाने का जो अंदाज़ है वो मोस्टली लड़कियों को काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां जो हैं एक रोमांटिक पार्टनर चाहती हैं जो उन्हें रोमांटिक डेट पर ले जाएँ, ठीक है, रोमांटिक जगह पर घुमाने ले जाएँ, अलग अलग तरीक़ों से उन्हें प्यार दिखाएँ, ठीक है, एक तरह से उनके साथ में रोमांटिक मोमेंट क्रिएट कर सके। तो ऐसे लड़के मोस्टली लड़कियों को पसंद होते हैं और इसी वजह से वो लड़के का ये अंदाज़ देखकर उनके पीछे भागती है। कहने का मतलब है उन्हें अटेंशन देती है। अब ये चीज़ दिखाने के लिए आप लड़की से अगर बातचीत करते हो तो आप जो है अपनी फ्यूचर प्लानिंग शेयर कर सकते हो। इन फ्यूचर में जब आप रिलेशनशिप करोगे तो अपने पार्टनर को ऐसे प्रपोज करोगे, ऐसे डेट पर ले जाओगे, तो इन चीज़ों की वजह से चांस होंगे कि लड़की जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो है आपका लाइफ में हमेशा सीरियस रहना, चाहे वो जॉब हो चाहे वो पार्टनर हो। अगर आप किसी लड़की को ये शो करते हो तो वहाँ पे भी चांस होते हैं कि लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि दोस्तों देखो, लड़कियाँ जो है ना अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को पहले से ही प्लान करके रखती हैं कि उन्हें रिलेशनशिप में आने के बाद क्या क्या करना है और कैसा पार्टनर चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं। तो इसी वजह से अगर आप किसी लड़की को दिखाते हो कि आप अपनी लाइफ में सीरियस हो जॉब को और पार्टनर को लेके, तो वहाँ पे भी चांस होते हैं कि लड़की जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। वो इसलिए कि अगर आप अपनी लाइफ में सीरियस रहोगे अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, तो वहाँ पे ये होगा कि आप इन फ्यूचर में एक अच्छा फ्यूचर आपका होगा, ठीक है, एक अच्छी लाइफ जियोगे। तो इसी वजह से, इसी सोच की वजह से लड़की जो है आपको पाना चाहेगी, क्योंकि लड़कियों के जो शौक होते हैं ना वो लड़कों से कई गुना ज़्यादा होते हैं। उन्हें चाहिए एक अच्छी लाइफ वो जिए, किसी भी चीज़ के लिए उन्हें तरसना ना पड़े, तो इसीलिए वो ऐसे लड़के को कभी भी खोना नहीं चाहती हैं। तो उस लड़के को पाने के लिए वो अटेंशन देती हैं, उन्हें स्माइल पास करती हैं या और भी बहुत सी चीज़ें करने लगती हैं। इसके अलावा अगली जो चीज़ है वह है लड़की का किसी लड़की को रिस्पेक्ट करना प्लस रिस्पेक्ट से देखना। जी हाँ दोस्तों, देखो ये दोनों ही चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप किसी लड़की से बात करते समय उसे दिखाते हो कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, बट आपकी आंखों में उसे अपने लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिखती, आप उससे बात करते समय उसको अलग अलग जगह पर देखते हो या आप उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को घूरते हो, तो वहाँ पर लड़की को लगने लगता है कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो। तो इसीलिए एक लड़की का आपको ये चीज़ दिखाना भी काफ़ी हद तक उसे आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब आप किसी लड़की को दिखाओगे कि आप उनकी रिस्पेक्ट भी करते हो प्लस आप उनको तरह से रिस्पेक्ट से देखते भी हो, तो वहाँ पे भी चांस होंगे कि लड़की आपके बारे में सोचे, ठीक है, वो आपको अटेंशन देने लगे। इसके अलावा अगली जो चीज़ है वो है आपका लाइफ में हमेशा खुश रहना। दोस्तों देखो, ज़्यादातर लड़कियों को ऐसे लड़के हमेशा पसंद आते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। लाइफ में अगर दुखी भी हों तो थोड़ी देर के लिए दुख मनाते हैं, फिर अपनी लाइफ को उतना ही इंजॉय करते हैं। तो ऐसे लड़कों के साथ रिलेशनशिप करना मोस्टली लड़कियों को पसंद होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो उनके साथ रिलेशनशिप करें तो वो भी हमेशा खुश रहेंगी। तो इसी वजह से ऐसे लड़के को पाने के लिए भी वो पूरी कोशिश करती हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।